शिवा प्रोजेक्ट के तहत अब मालामाल होंगे बागवान। जिला में प्रोजेक्ट के तहत 5 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें अमरूद, लीची और सिट्रस के 70,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। अमरूद की ललित किस्म के पौधे विशेष तौर पर पुणे से मंगवाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत प्रति क्लस्टर लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। बागवानी विभाग द्वारा जिला में 2 जगह लगाए गए। गौरतलब है कि बागवानी विभाग की ओर से लोगों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के अच्छे परिणाम आने पर अब विभाग ने 5 क्लस्टर चयनित किए हैं, जिनमें लंबा गांव भेड़ू, महादेव, भवारना में और 2 क्लस्टर बैजनाथ में है। इन क्लस्टर्स में इस वर्ष 70,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। लंबा गांव क्लस्टर में सिट्रस के 11,111 प्लांट लगाए जाएंगे। भवारना क्लस्टर की दहन पंचायत ने 10 हेक्टेयर में लीची के 8,500 पौधे, भेड़ू महादेव में अमरूद की ललित प्रजाति के 25,000 पौधे रोपित किए जाएंगे, जो कि पुणे से लाई जा रही है। बैजनाथ के सेहल क्लस्टर में अमरूद के 25,000 पौधे और गिरथोली घानक जगह में लीची के 8,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। अभी वर्तमान में प्रति क्लस्टर 10 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपित किए जा रहे हैं, जबकि अगले वर्ष के लिए 7 ब्लॉकों में 150 हेक्टेयर प्रति ब्लॉक में पौधे लगाने और क्लस्टर बनाने का टारगेट मिला है। 1,050 हेक्टेयर एरिया में शिवा प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न 7 ब्लॉकों में पौधे रोपित किए जाएंगे। बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दौलत राम वर्मा ने कहा कि जिला कांगड़ा में शिवा प्रोजेक्ट के तहत चयनित 5 क्लस्टर्स में 10-10 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपित किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्यतः अमरूद, लीची और सिट्रस शामिल है। प्रति क्लस्टर लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी, जो कि सरकार की ओर से व्यय की जाएगी। अमरूद की ललित किस्म के पौधे पुणे से मंगवाए जा रहे हैं। अगले वर्ष 7 क्लस्टर में 150 हेक्टेयर प्रति क्लस्टर पौधारोपण का लक्ष्य है। क्लस्टर में जहां पौधारोपण किया जा रहा है, वहां सोलर फेंसिंग के साथ पानी की उचित व्यवस्था की जा रही है। कांगड़ा में पिछले साल हमने इसका FLD लगाए थे, FLD फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। 5 क्लस्टर सेलेक्ट किए जिला कांगड़ा में। तो 5 क्लस्टरों में जैसे एक क्लस्टर लंबा गाँव में, एक भेडू महादेव में, एक बुहारना में और 2 बैजनाथ में। इन क्लस्टरों में हमने इस साल जो है वो लगभग 70,000 पौधों का रोपण करना है, और जिसमें से जो हमारा लंबा गाँव का क्लस्टर है, इसमें सिट्रस का प्लांटेशन कर रहे हैं हम। 11,111 प्लांट वहाँ पर इसके रोपित किए जाएंगे। इसके अलावा हमारा बुहारना में जो दहन पंचायत है, यहाँ पर भी 10 हेक्टेयर में प्लांटेशन लीची की कर रहे हैं और 8,500 प्लांट यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा जो सुला में भेडू महादेव जहाँ लाहट पड़ता है क्लस्टर, वहाँ पर हम गुआवा की प्लांटेशन करेंगे। इसमें 25,000 गुआवा के प्लांट, जो ललित वैरायटी है और पुणे से हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं और लगा रहे हैं इस बार। इसके साथ साथ जो बैजनाथ में 2 क्लस्टर सेलेक्ट किए थे हमने, यहाँ पर एक सहल नाम की पंचायत है, वहाँ पर हमने जो जहाँ अपना फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन लगाया था, तो वहाँ पर हमने 10 हेक्टेयर जगह सेलेक्ट की है और इसमें हमने गुआवा की प्लांटेशन करनी है, जहाँ भी हम 25,000 पौधे लगाएंगे। और दूसरी जगह जो बैजनाथ में गिरथोली धानक जगह है, धानक में भी हमने 10 हेक्टेयर में प्लांटेशन करनी है, लेकिन वहाँ पर करनी है लीची की, और लीची के यहाँ पर लगने हैं 8,000 पौधे। तो टोटल इस हिसाब से हमने लगभग 70,000 प्लांट जो है इस बार जो है इन 4 क्लस्टरों में लगाने हैं। और आने वाले समय में हमें जो टारगेट मिले हैं 7 ब्लॉकों के लिए 100 हेक्टेयर पर ब्लॉक हमें टारगेट मिला है प्लांटेशन का और क्लस्टर बनाने का, जो अगले साल हमने इसको बनाना है। कुल मिलाकर 1,050 हेक्टेयर जो एरिया है वो शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगले साल हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर हम प्लांटेशन करेंगे। और तो इस प्रकार का ये बीड़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उठाया हुआ है, और आने वाले समय में लोगों के लिए शिवा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही वरदान सिद्ध होगा, और जो फार्मर है उसके लिए आम के आम, गुठलियों के दाम लगातार उसको जो है वो आमदन होती जाएगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि 2022 तक जो है लोगों की जो आमदन है वो डबल होगी, तो इस तरह से हमने जो बैरन लैंड पड़ी थी वो आबाद कर दी है। यही हमारा शिवा प्रोजेक्ट का उद्देश्य है।